नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रणवीर भवन में। आज आपका स्वागत है फिर से हमारे एक और नए ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय जनगणना मीन्स इंडियन सेंसस, जो कि हम 2011 की भी लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड है भव्य सर्विसेज डॉट इन के द्वारा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। ये जो वेबसाइट है ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जाके देखें, इस वेबसाइट पर सारे जो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनकी आपको प्रिपरेशन तैयारियां करवाई जाती हैं और क्विजेस भी लिए जाते हैं, मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं। तो आप जाके बिल्कुल इस वेबसाइट पर अपनी प्रिपरेशन करें ताकि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा इंडियन सेंसस टॉपिक है, तो इस टॉपिक में मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस की लिस्ट जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा जो हौसला है वो बना रहे। आपने हमें इतना सारा सपोर्ट किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि हमारे ज्यादा वीडियो नहीं हुए लेकिन आप लोगों ने हमें बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत सारी चीजें हमें बताई कि हमें कैसे अच्छा करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है वो है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? क्या आपको पता है? नहीं, हम आपके लिए ऐसे नॉलेज रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप बेल हिट कर दें, हमारे वीडियो हमारे चैनल का बेल हिट कर दें ताकि आप लोगों को ऐसे नॉलेज रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। और मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए दो सवाल ऐसे होंगे जो कि बहुत सीक्रेट क्वेश्चन होंगे। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, तो लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आप उन दोनों सवालों को जान पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? सेकेंड क्वेश्चन, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? थर्ड क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? क्या आपको पता है? नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जनगणना का महाविभाजन वर्ष कौन सा था और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा था, उसके बाद हम बात करें जनगणना की जो अवधि रहती है, जनगणना कितने वर्ष में होती है, यानी कि उसकी अवधि कितनी होती है, इसकी भी बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। उसके बाद जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। उसके बाद 2011 की जनगणना का क्रम क्या था, क्या आपको पता है? नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, वहां का नारा मीन्स हम आदर्श वाक्य कहते हैं उसको, तो उसका आदर्श वाक्य क्या था, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आंसर्स बताना आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 और इसको करवाया था लॉर्ड मेयो 1872 लॉर्ड मेयो। इसके बाद हम बात करें देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1881 लॉर्ड रिपन ने करवाई थी 1881 में लॉर्ड रिपन। उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1981 मींस 1951 को हुई थी, 1951 में हुई थी, 1951। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा था? जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो था वो था 1921
तो जो हमारा लघु विभाजक वर्ष जो था वो भी था 1951। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जनगणना की अवधि कितने वर्षों में आती है। जनगणना की अवधि तो हम बात करें जनगणना की अवधि जो होती है वो होती है 10 वर्षों में। मीन्स हर 10 वर्ष के अंतर में हमारी जनगणना होती है। सबसे पहले हमारे स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? 1951। उसके बाद हम बात करें जनसंख्या का अध्ययन वो होता है डेमोग्राफी। जो हमारी वेबसाइट है जिसने हमें आज स्पॉन्सर किया है studiobabysservices.in, वो भी आपको सारे डेमो देती है, सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेमो क्लास देती है। तो चलिए यहाँ पे डेमोग्राफी होती है जनसंख्या का अध्ययन। डेमोग्राफी। उसके बाद 2011 की जो जनगणना था उसका क्रम क्या था? तो जो हमारी 2011 की जनगणना थी उसका क्रम था देश की पंद्रहवीं। मींस हमने यहाँ पर पढ़ा था कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने सन 1872 में। तो देश की पंद्रहवीं अठारह सौ बहत्तर से। और जो हमारी स्वतंत्र भारत की सातवीं मीन्स 1951 से सातवीं। तो ये भी हमें बता दिया। 2011 का जो हमारा आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चनों के आंसर्स बता दिए हैं। तो एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का टाइम नहीं होता करने पढ़ने के लिए। तो अब यहीं पे आपको रिवाइज करवा देते हैं। इस कारण लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट का हमें बता दीजिए कि आपको और क्या चीजें नहीं बनती है। तो चलिए आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में पहली जनगणना की शुरुआत। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1951 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो थी वो थी 1951 में। और जो हमारे देश में नियमित जनगणना की शुरुआत थी वो हुई थी 1881 में। तो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। उसके बाद महाविभाजक वर्ष जो था वो था 1921 और लघु विभाजक वर्ष जो था वो था 1951। उसके बाद जनगणना की अवधि होती है हर दस वर्ष में। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम था देश की
अवश्य वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू उसको जिन्होंने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा। तो मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया था कि हमारे जो दो सबसे हेल्पी क्वेश्चन है जिन्हें मैंने बोनस क्वेश्चन का नाम दिया था, वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे नवीन पर्वत और सबसे प्राचीन पर्वत। तो जो सबसे नवीन पर्वत है वो है हमारा हिमालय, और जो हमारा सबसे प्राचीन पर्वत है वो है अरावली। ये सब भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली और भारत के सबसे हिमालय। थैंक यू दोस्तों।